राजस्थान में भी तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात। 24 घंटे में कोरोना के 5,771 नए मरीज सामने आ गए। राजस्थान में एक दिन में 25 मरीजों की जान ले ली है इस डेडली वायरस ने। यानी हालात यहां पर भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, चिंताजनक नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेश जट्ठा नंदानी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। जितेश, क्या तैयारी की जा रही है इस वक्त कि यह संक्रमण और तेजी से ना फैले? समीर, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि इतने ज़्यादा संख्या में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट कम हो गई है, लगातार जो कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और राजस्थान में 25 लोगों की मौत हुई है, मानी एक घंटे में दो लोगों की मौत लगभग बोल सकते हैं। इस वक्त मैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूँ। आलम आप देख सकते हैं लापरवाही का, ये देखिए बिना मास्क आपको तस्वीरें गिन के बताऊँ, 1, 2, 3, 4 और इस साइड में अपने सहयोग का हुआ दिखाएँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर भी देख सकते हैं, तमाम लोग बिना मास्क नज़र आ रहे हैं। ये लापरवाही का आलम है जहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और डेली तमाम लोग यहाँ पर आते हैं बिना मास्क, ये लोग नज़र आ रहे हैं, ग्रुप में बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं बिना मास्क, तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए किस तरह से बिना मास्क लोग नज़र आ रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें देखिए, बिना मास्क लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, ये देखिए तस्वीरें, बिना मास्क कई लोग नज़र आ रहे हैं, ये राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और इसके अंदर आलम यह है कि यहाँ पर ठीक है जितेश, और ये तस्वीरें वाकई बहुत ही चिंताजनक हैं, चौंकाती हैं हम सभी को। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, समझ में आता है आपको इस लापरवाही का सबब? कार के अंदर बैठो, अगर मास्क ना लगाओ, अकेले बैठे हो तो भी तो जुर्माना, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर ऐसा लगता है खुलेआम छूट दे दी गई है, कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा देखने के लिए नहीं आ रहा कि कौन कोरोना गाइडलाइन फॉलो कर रहा है कौन नहीं। ये बिल्कुल ये एक मतलब मजाक टाइप का होके रह गया है कि कार में आप अकेले भी ड्राइव कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया कि तो भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा। बट इतने बड़े, पहली बात तो ये कुंभ को क्यों होने दिया गया? कुंभ को रोका जा सकता था, बड़ी बड़ी गैदरिंग रोकी जा सकती थी, सही बात, रैली में भी पाबंदियां लगाई जा सकती थी कि उसकी लिमिट की जाए। ये अभी जो आपने बताया हरिद्वार में जो कुंभ में 403, ये आपको अंदाजा शायद आगे पता चलेगा कि ये 400 लोग कितने हजारों लाखों लोगों को स्प्रेड किए होंगे और वो लोग फिर कितने लाखों लोगों को करेंगे, ये शायद इसका जब अगला ये लगेगा कि फिगर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जा रहा है तो ये शायद इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और सिमिलरली ये जो दिल्ली की, मैं तो सुन के बड़ा ये डरावना सा दिख रहा है जो दिल्ली और इसकी जो हालत है कि अगर ये फर्दर कंट्रोल ना की जाए तो शायद लोगों को घर में ही आपको मरे हुए लोग पड़े मिलेंगे। ये इस जो इटली और यूरोपियन कंट्रीज में जो फर्स्ट वेव में कुछ दिखा हुआ, ये तमाम बातें इस वक्त डराती हैं लेकिन ये डर लोगों में होना भी चाहिए क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह हैं और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम पहले ये कहते थे कि डरने की जरूरत नहीं है लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि डर जरूरी है क्योंकि आप डरेंगे तभी सावधानी आप बरतेंगे, तभी लापरवाहियां नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिन्हा जी, डॉक्टर अनिल पांडे और हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी जो हमारे साथ आज जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।